आपके घर में, तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे तो कोई हिंदुस्तान में आके आपके किसी लीडर को जो आपका दोस्त है उसे मार दिया और आप खामोश रहेंगे? नहीं, इसीलिए ईरान कभी खामोश नहीं रहा है, चाहे वो खुमैनी साहब का जमाना हो। ये कूटनीति है, ये राजनीति है कि हमें किसके साथ खड़ा होना है ताकि हमारे मुल्क का फायदा हो। आज इसराइल में, इसराइल जिस तरह से लोगों को सता रहा है, मजदूरों को मार रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है, हॉस्पिटल पे बमबारी कर रहा है, ये किस हिसाब से सही है? इसको दुनिया की मीडिया किस हिसाब से देखना चाहती है और इसको किस तरह से प्रपोज करना चाहती है? इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला की मौत की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। न सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज बल्कि भारत में भी उनकी मौत को लेकर इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, इस वक्त हम वाराणसी के एक मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर शिया समुदाय के जो लोग हैं वो जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, हाथों में नसरुल्ला के जो तस्वीरें हैं, पोस्टर हैं, वो लगे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर तकरीर की जा रही है। और कहीं ना कहीं इजराइल के प्रति जो उनका गुस्सा है वो साफ तौर पे न सिर्फ उनके चेहरे पे नजर आ रहा है बल्कि उनकी आवाज में भी झलक रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बताइए सर किस तरीके का। मैं मस्जिद का प्रवक्ता हूँ और हमारा ये नारा है कि जुल्म कहीं भी हो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है और मीडिया वालों को ये पैगाम पहुंचाना है कि हसन नसरुल्ला आतंकवादी नहीं है। हसन नसरुल्ला ने हिंदुस्तान की 50 नर्सों को दाएश से, आईएस से छुड़ा के हिंदुस्तान भेजा था, वो इस आदमी कैसे आतंकवादी हो सकता है? और आप देखिए 75 साल से जो इसराइल फिलिस्तीन में जो जुल्म कर रहा है वो नहीं दिखाई दिया। हाँ, उन्होंने गलत किया 7 अक्टूबर को जो हमला किया, लेकिन उसका बदला इस तरीके से नहीं लिया जाएगा कि आप 40,000। लेकिन अब इजराइल ने आर पार की जंग छेड़ दी है, वो कह रहा है कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे। उसने कहा है कि जिस तरीके से ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया है उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, समय और जो होगा वो हमारा होगा। आपको ये बात दिखानी चाहिए कि इस्माइल हानिया को ईरान में घुस के किसने मारा? इस्माइल हानिया को ईरान ने मार दिया, इसराइल ने जाके वहां पे मारा उनके घर में, तो क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे तो कोई हिंदुस्तान में आके आपके किसी लीडर को जो आपका दोस्त है उसे मार दिया और आप खामोश रहेंगे? नहीं, इसीलिए ईरान कभी खामोश नहीं रहा है, चाहे वो खुमैनी साहब का जमाना हो। आज देख लीजिए अमरीका की फौजें कहां नहीं है, हर जगह उनका बेस है। और इसराइल, लेकिन जो भारत सरकार का रुख है वो साफ तौर पर इसराइल के साथ एक तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है। स्टैंड लेने से क्या हो जाता है? आपका ईरान से जो संबंध है वो 50 साल पुराना है, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है उसमें वो कहीं ना कहीं इसराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हर आदमी अपना फायदा चाहता है और उसको दिख रहा है कि वो अमेरिका को नाराज नहीं। आज ही अमेरिका ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दिखा रहा कोई मीडिया? कहा है कि नहीं कहा? आप जैसे लोगों को तो मालूम होगा कि कह रहा अमेरिका कि यहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, यहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसका जवाब क्या है? ये वक्त की पुकार है, ये कूटनीति है, ये राजनीति है कि हमें किसके साथ खड़ा होना है ताकि हमारे मुल्क का फायदा हो। हमसे भी जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसराइल के खिलाफ, क्या संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि न सिर्फ मुस्लिम कंट्री बल्कि हिंदुस्तान में भी इस तरीके की जो प्रदर्शन है वो हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारा जो किरदार है वो करबला से है, हम जो भी देखते हैं वो करबला। कहीं भी जुल्म होगा, किसी के खिलाफ कोई गलत काम होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। आज इसराइल में, इसराइल जिस तरह से लोगों को सता रहा है, मजदूरों को मार रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है, हॉस्पिटल पे बमबारी कर रहा है, ये किस हिसाब से सही है? इसको दुनिया की मीडिया किस हिसाब से देखना चाहती है और इसको किस तरह से प्रपोज करना चाहती लेकिन है? लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है कि मैं ईरान को नेस्तानाबूद कर दूंगा। देखिए, वो वक्त बताएगा कौन किसको नेस्तानाबूद करेगा। हमें एक सिर्फ कहना है कि जो मीडिया नसरुल्ला साहब को आतंकवादी कह रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ ये बताइए कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनको हमने अपने मुल्क से भगाया कि नहीं भगाया? इसराइल का हुकूम वो यहाँ तो है नहीं, इसराइल हमारे यहाँ पनाह लेने आया था, उसको पनाह दिया गया था, जब उनको पनाह दिया गया आज वो ताकत बन गई, तो क्या वो हुकूमत जो पनाह लेने आई थी, जो पनाह ले चुकी थी, उसको अगर हम निकाल लें तो हम दहशतगर्द कैसे? अगर वो दहशतगर्द हैं तो हिंदुस्तान को जो हमने अंग्रेजों से आजाद किया तो हम भी दहशतगर्द हैं। इसका मतलब भाई, हम अपने मुल्क को आजाद अगर करा रहे हैं तो हम दहशतगर्द कैसे, ये बताए मीडिया जो बिल्कुल। देखिए, नारे तकरीब के यहाँ पे इस वक्त नारे लग रहे हैं वाराणसी के प्रसिद्ध जामा मस्जिद में,
कुछ अन्य लोग भी हैं, मौलवी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मौलवी साहब, नसरुल्ला से भारत की इतनी हमदर्दी क्यों होगी? भारत की हमदर्दी सिर्फ इसलिए है कि हम भारत की हमदर्दी सिर्फ इसलिए है कि भारत वाले हमेशा जालिमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, और ख़ास कर हम कौम तशय्यो जिन्हें कहा जाता है, जो करबला के रास्ते पर चलते हैं, जो मातम करते हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं, ये करबला के रास्ते पर चलते हैं। और करबला का रास्ता यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें यही सिखाए हुए हैं कि कहीं भी जुल्म हो उससे हमदर्दी बरती जाए। ये ज़रूरी नहीं कि हम भारत के ही रहने वाले, हर जगह का जो भी अहले बैत के। लेकिन 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हमला हुआ था उसे आप क्या कहेंगे, क्योंकि उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं। ये देखिए, इसराइल के जितने हमले हैं तमाम तर जो हिजबुल्ला दिफा कर रहा है, हिजबुल्ला ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, दिफा के लिए अटैक किया। अब हमें बुलाया जा रहा है। शुक्रिया। तो ये थे यहाँ के मौलवी, लेकिन जिस तरीके से अब इस वक्त इसराइल के खिलाफ जो गुस्सा है वो पूरे देश में भड़क चुका है, जगह जगह जुमे की नमाज के दौरान तकरीरें हो रही हैं। इसराइल के खिलाफ अपना जो गुस्सा है, अपनी जो नाराजगी है, वो शिया समुदाय के लोग हैं वो साफ तौर पर निकाल रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इस वक्त मौके का तकाजा ये है कि भारत को मुस्लिम कंट्री का साथ देना चाहिए, क्योंकि भारत और ईरान के साथ साथ जो अरब कंट्री के कई ऐसे देश हैं उनके साथ पुरानी जो पुराना उनका रिश्ता रहा है, और उस रिश्ते को बरकरार रखने की अब जरूरत है। Thank you.